नीला वाला ट्रैप जो है ये थ्रेप्स और स्कैरेट फ्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि येलो वाला थ्रेप्स वाइट फ्लाई अपने लीफ माइनर्स है एफिड्स है इन सभी को अट्रैक्ट करता है ये। जी जैन किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित मुंजार है, आज हम आए हुए हैं इंडो इजराइल कैंपस घरोंडा में। अगर मैं बात करता हूं किसान भाइयों, बहुत बड़ी समस्या है इंसेक्ट की, कीड़े की। कितनी मेहनत से किसान फसल तैयार करता है, फसल तैयार होने के बाद उसे उम्मीद होती है क्योंकि उसकी फसल अच्छे दामों में बिकेगी, शायद उसका कर्जा कम होगा या उसको अच्छी आमदनी होगी, लेकिन इंसेक्ट्स की वजह से अगर मैं बात करता हूँ काफ़ी ज़्यादा किसानों को समस्या रहती है। अगर मैं बात करूँ खास करके कुछ उन एरियाज के अंदर जब फसल तैयार हो जाती है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया, सफेद मच्छर, सफेद मक्की कई जगह पे बोल देते हैं, उनके पहाड़ की वजह से, जैसे अभी हाल ही के दिनों में जो टिड्डी हमला अभी हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ काफी सारी टिड्डियां खड़ी की खड़ी फसल को बर्बाद कर देती हैं। ऐसे में तीन तरह के तरीके हैं हमारे पास अपने दुश्मन को अपने पास से दूर भगाने के। सबसे पहला तरीका है किसान भाइयों की, आप उस दुश्मन को खत्म कर सकते हैं इंसेक्टीसाइड के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से, कीटनाशक जिसे हम कहते हैं कि दुश्मन को सीधा गोली मार देना। दूसरा तरीका है इसके अंदर कि आप उसे ट्रैप लगा सकते हैं, जाल में फंसा सकते हैं, जब मार्केट के अंदर बहुत सारे कई तरह के ट्रैप मौजूद हैं। और तीसरा तरीका है किसान भाइयों को मैं बात करता हूं कि हम अपने मित्र कीट पैदा कर दें। अब मित्र कीट पैदा कर दें कहना आसान है, लेकिन अब आप कहेंगे कि हम कैसे पैदा कर देंगे मित्र कीट, तो उसके लिए एक समाधान जो है कंपनी, एक ऐसी कंपनी अगर मैं बात करता हूँ शायद हो सकता है आने वाले भविष्य ही भारत का ये हो, कॉपर्ट करके कंपनी है जो एक कुछ इस तरह के अगर बात करता हूँ इंसेक्ट कंट्रोलर्स अपने साथ लेकर आई है। अगर मैं बात करता हूँ कि कैसे हम जो अपने शत्रु कीट हैं उन्हें मित्र कीटों की मदद से हमें दूर कर सकते हैं, उनके पास कुछ ट्रैप्स हैं, उसके लिए हमारे साथ बताने के लिए कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो मौजूद हैं मिस्टर मोहित। मोहित जी आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं, और आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि क्या प्रोडक्ट है आपके पास और ये कैसे किसान की मदद कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं कंपनी का एक आपको परिचय देना चाहूंगा कि कॉपर्ट बायोलॉजिकल सिस्टम एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हम पार्टनरशिप विद नेचर कुदरत के साथ एक साझेदारी में काम कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी और मानव की जो स्वास्थ्य है उसके लिए हम अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी जो इस चीज़ में जानी जाती है कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं मित्र कीड़े, इसमें सबसे अच्छा काम कर रही है और हमने ऐसे नेचर्स के अंदर मित्र कीड़े खोजे हुए हैं जानकर हम इनका इस्तेमाल अपनी एग्रीकल्चर में करते हैं, तो ये कीड़े हमारे जो हार्मफुल पेस्ट होते हैं वाइट फ्लाइज है, थ्रिप्स है, एफिड्स है, उनके नेचुरली एनिमीज होते हैं, उनको खा करके हमें कंट्रोल देते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये हमारे पेस्ट होते हैं, वाइट फ्लाइज है, थ्रिप्स है या रेड माइट आते हैं, तो वाइट फ्लाइज के लिए हम इस तरीके से ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स दे रहे हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये इंसेक्ट्स इनको खा जाते हैं। एक्चुअल में सच्चाई क्या है, अगर हम देखें तो सेकेंड जनरेशन फर्टिलाइजर सर आए, बाद में हमने यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये हमारा नेचर का जो इकोसिस्टम है वो इम्बेलेंस हुआ है। पेस्टिसाइड केमिकल्स की वजह से जो हमारे क्रॉप्स में मित्र कीड़े हुआ करते थे वो मर गए हैं। तो ये कंपनी कहती है कि हमने कोई नया काम नहीं किया है, ये ऑलरेडी चीज़ें सारी नेचर्स में थी। कॉपर्ट ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया साइंस को और हम लोगों तक ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये बम्बल बी भी पॉलिनेशन के लिए दे रहे हैं। बम्बल बी का अगर हम इस्तेमाल आम फसलों में करते हैं, शिमला मिर्च है, सेब वगैरह है, बागानी फसलों में, तो हम काफ़ी पैदावार इससे ले सकते हैं, बढ़ाती है पॉलिनेशन के जरिए। ये टूटा ट्रैप है जो कि टमाटर में एक टूटा एब्सोल्यूटा प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टूटा एब्सोल्यूटा को ट्रैप करने के लिए। नर और मादा में जो इसमें ल्यूर लगाया जाता है एक, जिससे क्या होता है कि जो कीड़ा उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भर देते हैं, इससे वो कीड़े इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वो फीमेल से मिलता नहीं है तो वो अंडे नहीं देता है, तो उसकी वजह से हमें जो सुंडी है उस पर कंट्रोल मिलता है और हम बड़े बड़े केमिकल्स को जो स्प्रे कर रहे हैं उनसे बच सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कॉपर्ट इस तरीके से ये येलो स्टिकी ट्रैप्स दे रही है, इनका भी बहुत अच्छा यूज़ हम मॉनिटरिंग के लिए कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम क्रॉप लगाते हैं तो कॉपर्ट की जो क्वालिटी है, एक कीट आकर्षण के लिए और कीट निगरानी के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हॉरिबल ट्रैप का। कॉपर्ट की जो खासियत है कि कॉपर्ट इसमें एक अलग कलर कोड यूज़ कर रही है, जो एक निश्चित वेवलेंथ होती है जिसकी, इससे ये आम एग्रीकल्चर दूसरे मक्खी मच्छर को अट्रैक्ट नहीं करता है। एग्रीकल्चर में आने वाले जो हमारे पेस्ट हैं वाइट फ्लाइज, थ्रिप्स, ठीक है ना, इन्हीं को, ये लीफ माइनर हो गया, इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है।
दूसरा हम कोल्ड कंप्रेस गम पहले से लगी हुई दे रहे हैं जो कि 6 मंथ से ज़्यादा एक्टिव रहती है, और 1 एकड़ में अगर हम ओपन फील्ड में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये 15 से 20 ट्रैप हमें लगाने होते हैं। पॉली हाउस के अंदर हम इनको 50 से 60 तक भी लगा सकते हैं। तो येलो कलर का पीले रंग का ट्रैप दिखाया है, ये नीले रंग का ट्रैप है, इसे भी बताएं, इसे भी अगर मैं बताएं सर कि क्या इसकी क्या खासियत है। नीला वाला ट्रैप जो है ये थ्रिप्स और स्कैरेट फ्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि येलो वाला थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, अपने लीफ माइनर्स है, एफिड्स है, इन सभी को अट्रैक्ट करता है ये जी। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया तरीके सर बता रहे हैं किसान भाइयों। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, काफी किसान भाई जो सब्जी की खेती करते हैं या नरमे की कोटने की खेती करते हैं, एक व्हाइट फ्लाई नाम का इंसेक्ट है, उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जिसे हम सफेद मक्खी, सफेद मच्छर बोल देते हैं, वो हमारे खेत को काफी नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए हम कई तरह के, अगर बात करते हैं हम मीडा, क्लोरोपीड वगैरह, इस तरह के काफी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें दूर करने के लिए। लेकिन किस तरह से जो इन्होंने बताया कि हम अपने जो मित्र कीटों की मदद से अपने शत्रु कीट को, मतलब कि सफेद मच्छर को, सफेद मक्खी को खत्म कर सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया है कि मान लेते हैं व्हाइट फ्लाई है, अगर मैं बात करता हूं व्हाइट फ्लाई सफेद मच्छर है, उसे हम दूर कर सकते हैं एनक्रेशिया फॉर्मोसा नाम के इंसेक्ट से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिप हो गया, एरकल हो गया, लिमोनिका हो गया, बहुत तरह के इस तरह के इंसेक्ट्स हैं, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह के ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि आपके दुश्मन को, मतलब व्हाइट फ्लाई को दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत जो हमारे मित्र कीट है उनकी क्या होती है, क्योंकि जो कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है कि कैसे आप अपने शत्रु कीट को मित्र कीटों की सहायता से आप दूर कर सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड के प्रयोग के दौरान हमने क्या किया, हमने अपने मित्र कीटों को भी खत्म कर दिया शत्रु कीट के साथ साथ। तो ये एक बहुत बढ़िया एक तरीका है सर ने हमें बताया। इसके अलावा सर और क्या आप किसान भाइयों को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? दूसरा क्या है, मैं कहूंगा कि आप ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं, क्योंकि हमारा जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं, ये केमिकल से आप देख सकते हैं इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत रिड्यूस हो रहा है, 62 ईयर्स हो गया है, 20-30 ईयर के बाद ही लोग दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा जो नए बच्चे हैं उनको भी केमिकल्स का कितना ज़्यादा असर हो रहा है, जो कैंसर आ रहा है। तो एक्चुअल में पेस्टिसाइड का सिस्टम देखा जाए ये हमारे लिए सस्टेनेबल है ही नहीं। पेस्टिसाइड के जब जंजाल में हम फंस जाते हैं तो लगातार यूज़ करने से, बार बार यूज़ करने से वो इंसेक्ट का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और हमें कंट्रोल नहीं मिलता है। आने वाले समय में जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर हम इसको फीड करना चाहते हैं तो हमें ये कॉपर्ट के बायोलॉजिकल सिस्टम को अपनाना ही पड़ेगा, जो एक नेचर सिस्टम है, हमने कोई नया काम नहीं किया है ये। किसान भाइयों ये थे हमारे साथ मोहित जी, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी तरह की पेड वीडियो प्रमोशन नहीं है ये, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही तरीके से सही टेक्नोलॉजी, नई तकनीक आप तक पहुँचाने का हमारा माध्यम है। जो किसान भाई यहाँ तक नहीं आ सके कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताएं आपको, और मैं मोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। इसके अलावा किसान भाइयों ये सर का नंबर है मोहित शिवारे जो है, यहाँ पर कंपनी की नीचे वेबसाइट है www.copper.com। इसके अलावा सर का नंबर है 8190607074, अंग्रेजी में दोहराऊंगा 8196087074, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।